घूम रहे भाई आज भी हैं, कल भी नहीं आए थे, बारिश हो गई थी। वही है क्या कह रहे हाँ कल क्या क्वान्टिटी की कुछ थोड़ा सा ही बताया था, ज़्यादा तो नहीं बताया था, थोड़ी सी बात बताई थी। देखो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आज फिर से कंटिन्यू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्या था इसके अंदर भैया? दो दो क्वेश्चन इसके बाद कर रहे हैं खड़े खड़े, ठीक है? इसके बाद ऑफलाइन है। मेकिंग मेकिंग डिफरेंट मेकिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेकिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ अ इक्वेशन बाई गिवन रूल बाई गिवन कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है मुझे और यह रूट गिव दिए हैं। कल मैंने क्या निकाल लिया था? सम ऑफ रूट निकाल लेते ना एस वन के ऊपर। एस वन कल मैंने निकाला था, क्या निकाला था? एस वन बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड फोन में जितने भी रूट होते ये था नहीं। एस टू क्या था भैया? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा। अगर ढेर सारे हों तो और भी ले लेंगे भैया, मतलब दो तो तीन हो चार हों। एस थ्री क्या था? इनका मल्टीपल था ये नहीं था, ठीक नहीं है? मतलब अगर मान लिया ये क्या था, अगर जनरल फार्मूला लिखना हो इक्वेशन का क्या लिखूंगा मैं? देखो शुरू में आएगा x की पावर n जितनी भी इसकी डिग्री होगी ये आएगा माइनस एफ वन एक्स की पावर n माइनस वन एकदम। इसके बाद एकदम अधिक आता है, अब एक कम बात है। एफ वन सम ऑफ ये जो है माइनस प्लस एच टू एक्स की पावर n माइनस टू ये आएगा। आगे फिर माइनस एस थ्री एक्स की पावर n माइनस थ्री अप टू माइनस वन की पावर n माइनस वन की पावर n एफ एन एक्स की पावर n यही आएगा। एन माइनस एन आएगा, क्या आएगा? एन माइनस एन की वैल्यू कितनी हो भाई? जीरो। जीरो घटाओ तो माइनस वन की पावर एस एन है। क्या चाहिए हो? अगर मान लिया क्वाड्रेटिक होता, कैसी इक्वेशन है तो एग्जांपल लेके बता रहा है इसका। क्वाड्रेटिक होता, क्वाड्रेटिक में कितने रूट होते हैं? तो क्या आ जाएगा? एक्स का माइनस एफ वन की जगह क्या आएगा? मान लिया एफ वन क्वाड्रेटिक में कितने रूट होंगे, मान लिया कौन कौन से रूट हैं? फोर क्या के लिए? फोर फोर क्वाड्रेटिक क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू इसकी एकदम बाद इसकी कम पावर आएगी एकदम। यहाँ एन थी तो कितनी आई थी? और यहाँ टू है तो कितनी आएगी? वन। फिर एस टू क्या आएगा? प्रोडक्ट दोनों दो ही बिछाने तो दो बहुत सीधा रहा है तो ये आ जाएगी भाई। आई नहीं ये यूँ कह रहा है कि इसका जनरल इक्वेशन आई नहीं बात है आप तो थोड़ा अजीब लग रहा हुआ है कुछ नहीं कहा मैंने, कहा देखो क्या है इनका सबका सम का रूट जो है एफ वन क्या है ये बताया था। अगर मान लें अल्फा बीटा रूट है या अल्फा बीटा मूल है किसी समीकरण के, अल्फा बीटा मान है इसके, तो एक्स इनका योग आएगा इन दोनों की गुना और फिर इनका मल्टीप्लिकेशन सम क्या आएगा ये एच टू और तीन 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 की गुना क्या आ जाएगा ये एफ थ्री। अच्छा अगर फोर क्या कहेंगे क्यूबिक, क्यूबिक के लिए क्या आएगा यहाँ बोल लो? एक्स पावर थ्री। क्यूबिक कितनी क्वेश्चन है बोल लो? एक्स पावर थ्री। क्यूबिक पर कितने रूट होंगे? तीन। तो कई बार तो कौन कौन से होंगे मान लिया अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ क्या आ जाएगा बोल लो? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की पावर एक्स की पावर कितनी आ जाएगी? भाई एकदम बात आएगी ना, देखो एन की बात माइनस टू फिर दो दो की मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा मैं। क्या क्या आएगी बोलो? अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा
अल्फा, ठीक क्या आएगी यहाँ एक्स प्लस क्या आएगा प्लस अल्फा बीटा लिखा ही आ रहा है फास्ट है इसकी चलिए गाँव में ये गाँव में लिखा है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू ये है इक्वेशन तो समझिए क्या कहना चाह रहा थे अगर यहाँ चार आते हैं भाई चार आते अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा माना चौथा डेल्टा है अपनी तरफ से फिर यहाँ अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा प्लस डेल्टा ये हो जाते हैं फिर तीन तीन की गुना अल्फा बीटा गामा डेल्टा फिर यहाँ चार की एक साथ गुना है कितने की होते हैं इतने लिख देते हैं इतनी जानी जरूरत नहीं इतना ही काम हो जाएगा मेरे को यहाँ तो बात नहीं होगी भाई यानी कि अगर कोई समीकरण निकालनी हो कोई इक्वेशन निकालनी हो चाहे कर एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ रूट ये तो पढ़ा था तुझे पढ़ने का आया भाई प्लस प्रोडक्ट ऑफ ये तो पढ़ाई होगा यही तो बता रहा भाई यही तो ये मैंने जनरल फॉर्म बहुत सारे के लिए बताया ये तुमने पढ़ाई होगा पढ़ाई नहीं होगा ये यही तो है ही आई नहीं बात में बोलो भाई आ गई अब तो ये होगी थोड़ी थोड़ी चीज क्यों भाई तो यानी कि आप उतारना चाहे उतारो नहीं तो आपकी बड़ी बात ये क्वेश्चन हिंदी में लिखूँ इंग्लिश में लिखूँ भाई आपको वह समीकरण बताओ हैं या फाइंड दिस इक्वेशन क्या मैं लिखूँ इंग्लिश में लिखूँ समझ जाओगे अजी नहीं मैं जितना ये तो इतना ही हो रहा जितना मुझे मुटना चाहिए सवाल तो मुटना ही नहीं मैं सवाल तो लिख दी थी ना मैं देखो भाई एक इक्वेशन एक क्या है एक इक्वेशन है फाइंड एनी क्वेश्चन फाइंड एंड क्वांटिटी इक्वेशन एक द्विघात समीकरण बता दिया है जिसके जो रूट हैं वो क्या है ए एम में ए एम का मतलब अर्थमेटिक मीन का मतलब और जी एम में और गुणोत्तर माध्यम है तो बताओ समीकरण क्या होगी अर्थमेटिक मीन का ए एम ए का मान मान लिया और जी एम को क्या कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन को क्या मान लिया जी वो क्या निकाल लिया समीकरण निकाल लिया ठीक है भाई इतना सवाल है कुछ दे नहीं रखा इसमें तो वैसे समीकरण निकाल दी भाई ठीक है सवाल तो समझ में आ गया क्या सवाल समझ में कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है वो समीकरण निकालनी है जिसके क्या दे रखा समांतर मध्य और समांतर मध्य किसे कहें मीन को समांतर मध्य किस तो निकला किसी भी चीज़ का उन्हें दोनों को जोड़ के उन्हें दोनों जोड़ के क्या निकाल दो
आधा का मतलब डिवाइड कर दो, इतने नंबर थे, अगर तीन है तो आधा होगा फिर भी। हाँ यही तो कह रहा मैं तुमको, आधा कह रहे जितने भी नंबर हों उससे क्या उन्हें जोड़ दो और फिर उस नंबर उससे, ये तो निकलता है। और ज्योमेट्रिक मीन कितना निकलता है किसी चीज़ का भाई, ज्योमेट्रिक मीन ये कितना निकलता है गुणोत्तर मध्य, समांतर मध्य तो आपको बता दें मुझे, गुणोत्तर मध्य किससे निकलता है किसी भी चीज़ का, दो नंबर का या कितने का भी पता है तुम्हें, गुणा करें क्या कर दो, स्क्वायर रूट, गुणा करें क्या कर दो, दो का है। देखो भाई यहाँ तो बात निमा गई मुझे बताया मैंने, अब यहाँ तक कहेंगे लेट कैसी इक्वेशन निकालनी मुझे, क्वाड्रेटिक की द्विघात भाषण करने वाले तो मूल कितने होंगे, तो दोनों मूल के नाम रख लूँगा, जी तो घर में दो बच्चे हों तो क्या नाम होंगे, एक का सोनू होगा एक का मोनू, तीसरे का चोनू, ठीक है। तो इसी तरह अगर यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके भी दो रूट होंगे, कौन कौन से होंगे, लेट लेट टू रूट्स आर अल्फा एंड, दो रूट अल्फा एंड बीटा है भाई, ठीक नहीं है। अच्छा अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या इक्वल होगा, तो क्या इक्वल होगा, यानी ए ए क्या इक्वल होगा, ए अर्थमेटिक मीन ए बताओ, ए क्या इक्वल होगा, ये बताओ, अच्छा ए अर्थमेटिक मीन क्या इक्वल होगा, अभी तो बताया आपने भाई मुझे, इन्हें दोनों को जोड़ के इनका आधा कर दो, इन्हें बता देते तुम मुझे, अब ये बोले क्या पूछ लिया मैंने, ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई बाई आ गए तुम्हें, यहाँ से दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसके नीचे क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टू ए, पहली इक्वेशन आ गई, दिक्कत तो नहीं आई। अब इनका क्या है, यो जी क्या है इसका, तो जी क्या है इक्वल होगा, जी इक्वल टू अल्फा बीटा का, ये नहीं बताया था, गुणोत्तर मध्य दोनों का क्या कर लो, मल्टीप्लिकेशन कर लो दो नंबर का, फिर क्या निकल दो, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में कितनी पावर होती है स्क्वायर रूट की, हाफ होती है, वन बाई टू बता रहे, तो ये लिख दो जी इक्वल टू अल्फा बीटा की पावर वन अपॉइंट टू है जी, दोनों तरफ का क्या कर दूँगा, अब स्क्वायर कर दूँ, वर्क कर दूँ, ये हटाने के लिए क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर इक्वल टू, हाँ तो बात नहीं होगी, क्योंकि जब वन बाई टू का स्क्वायर करूँगा या रूट का स्क्वायर करूँ तो हट जाए भाई, और जी का क्या आ जाएगा, जी यानी क्यों टेकिंग टेकिंग स्क्वायर बोल सकते, बच्चे बड़े से हो गए भाई, नहीं तो सीधा समझा है, तो जब क्या आ गया मुझे, अल्फा बीटा भी आ गया, और अल्फा प्लस बीटा की भी, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, सम ऑफ, ये क्या चीज़ है, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट, तो इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि चीज़ क्वाड्रेटिक के लिए क्या इक्वेशन होती है बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना आ गया, टू ए इंटू एक्स, और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया, जी स्क्वायर, यू इक्वेशन होगी, देखो भाई आसान था, मुश्किल सवाल है, आसान ही था एकदम, निकल जाएगी देखो क्या होगी, तेरे रट भी लियो, अगर कोई इक्वेशन है इक्वेशन के अर्थमेटिक मीन ए हो, ज्योमेट्रिक मीन जी हो, डायरेक्ट तो रट रहा जाएगा, क्या इक्वेशन होगी, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस जी स्क्वायर, जब हम पेपर देने जाते हैं पेपर की हम तैयारी करते हैं, कुछ रिजल्ट हम डायरेक्टली याद करने पड़ते हैं, जैसे इस तरह की चीज़ है, तो सीधी याद हो जाएगा, अगर पेपर में देखते ही पता लगा लूँगी युवा जी कि भाई इसको किसके लिए क्या है, क्यों रटनी दिया है, इसको क्या करनी है, डायरेक्ट दिया ऐसा हो गया, तो एक फॉर्मूला सीधा सीधा, तो आगे बढ़े भाई,
एम अर्थमेटिक मीन, ए फोर अर्थमेटिक मीन एम समांतर, अर्थमेटिक समांतर नहीं कहते, मीन का मतलब मध्य। If 1 upon x plus p plus 1 upon x plus q is equal to r, या 1 upon r, इसको पीछे लिख लो, 1 upon x plus p, 1 upon x plus q plus 1 x plus r, having 2 equal to having two equal loops and opposite sign and आसानी तो आई क्वेश्चन, मुश्किल था भाई, है नहीं आसान, तो तुम्हें लग रहा कुछ आसान से होंगे, क्या कह रहा भाई बोले, ये समीकरण है इसके दो मूल है, दो मूल है और दोनों कैसे हैं, समान भी हैं और अपोजिट साइन के भी हैं, समान तो हैं ये कैसे हैं अपोजिट, तो इनके क्या करना है, इनके रूट क्या निकालनी है, इनकी प्रोडक्ट निकालनी, क्या है कि मूल्यों की गुणनफल, लिखेंगे माना, माना को क्या कहेंगे इसमें, लेट टू रूट्स आर अल्फा एंड माइनस, यहाँ पे बात समझ आओगी, पहले इसको कुछ शक्ल की बना दी, किस डेट क्वेश्चन की कैसी है भागी जा रही है, ये क्वेश्चन की शक्ल कैसी होगी भाई, ये ठीक है भाई, यहाँ पे बात समझ भाई, अब इनका क्या ले लूँगा मैं, इनका एलसीएम ले लूँ, नीचे क्या जाएगा, ये एक्स इससे डिवाइड करके आ गया एक्स प्लस वन से एक्स प्लस क्यू प्लस एक्स प्लस आर, एक्स प्लस क्यू प्लस एक्स प्लस पी, आर से देना है भाई, तो अभी आरती रखे हैं, देखो इससे ये डिवाइड करा, ये बच गया जो आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, ये तो करते हैं, फिर इससे से डिवाइड करा, क्या बचेगा, एक्स प्लस पी से वन के एक्स प्लस पी, यहाँ तो बात समझ आ गया, एक्स और एक्स क्या आता है, टू एक्स प्लस पी प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस पी एक्स प्लस, अच्छा इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दो भाई, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू इज इक्वल टू वन अपॉन आर भाई, आ जाएगा इसकी आर दोनों क्या जाएगा, इधर क्या आ जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू एक्स
प्लस पी क्यू इज इक्वल टू टू एक्स प्लस पी प्लस क्यू, टू एक्स प्लस पी, इसमें आर से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, इसमें आर भी है, बोलो भाई ये देखो लंबा सा लेकिन है तो आसानी, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू, ठीक नहीं है, इधर क्या जाएगा सारा जगह माइनस टू आर एक्स माइनस प्लस पी प्लस क्यू आर, ये माइनस क्या जाएगा इक्वल टू जीरो, बोलो भाई एक्स स्क्वायर फिर जू बतू इन दोनों में क्या कॉमन है, फिर इसमें से इसमें से क्या कॉमन है, एक्स नहीं कॉमन है, समझ में आया तुम्हारे, इन दोनों में क्या कॉमन है बोल लो, क्या आएगा पी प्लस क्यू माइनस टू आर एक्स, क्या बचेगा ये पी क्यू माइनस पी प्लस क्यू आर इक्वल टू, बोलो भाई आगे समझ में, अब भाई देखो मेरी अब है क्वांटिटी की क्वेश्चन है, इसके रूट कैसे दे रखे हैं इसने, अल्फा एंड में तो सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा अल्फा माइनस अल्फा, ये नहीं आ जाएगा रूट का सम, क्या आ जाएगा यहाँ से पी प्लस क्यू माइनस आर माइनस भी तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा अपॉन क्या आ जाएगा वन, तो क्या आ जाएगा अल्फा माइनस अल्फा कितना हो जीरो इज इक्वल टू क्या आ गया पी प्लस क्यू माइनस आर और आर को धन लेगा वो क्या आ जाएगा आर इक्वल टू क्या आ जाएगा पी प्लस क्यू वैल्यू आ गई, इसे आर को जीरो प्लस आर नहीं जाएगा इधर आ गई आर की वैल्यू क्या आ गई पी प्लस क्यू, देखो भाई क्या कह रहा है इक्वेशन में, देखो भाई मान लिया मैंने इसको सोल्व करा, इसे सोल्व करके इसका एलसीएम ले रहे तो करीब होंगे भाई सीधा सीधा है फिर इसकी क्रॉस हम मल्टीप्लिकेशन कर दी मैंने, फिर सबको क्या लिया इधर लिया मैंने एक्स स्क्वायर का कोई कॉमन नहीं है एक्स वाला एक्स रेफर दिया और सारे कॉन्स्टेंट एक जगह रख दिए, जब ये इक्वेशन आ गई मेरी अभी है तो इसमें क्या निकाल लिया सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट का फॉर्म में क्या होता है माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो होता है, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स कितना है इसमें रखा ही रखा मैंने माइनस का भी आया पहले मैं शुमा माइनस कर रहा फोन में एक माइनस दिखा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सीधा है एक्स स्क्वायर कोफिशियंट कितना है, तो सम ऑफ रूट तो अल्फा माइनस अल्फा ही सम नहीं थे अल्फा माइनस अल्फा क्या आ जाएगा कहाँ जी टू आर भी है तो आर इज इक्वल टू अच्छी बात फिर तुमने बता दिया अभी नहीं बात हुई तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया बाई का कहाँ रह गया आपको आर इज इक्वल टू क्या आ गया पी अपॉन क्यू बाई टू, अब निकालना क्या है इसमें निकालना क्या है प्रोडक्ट, क्या निकालनी है इसमें प्रोडक्ट क्या आ जाएगी अल्फा मल्टीप्लाई माइनस अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा ये क्या आ जाएगा बोल लो पी क्यू क्या आएगा बोलो पी क्यू माइनस पी प्लस क्यू आर जी को तो ये आएगा भाई और अपॉन वन लिखा नहीं करता नीचे लिखना जरूरी है तो क्या आएगा इक्वल टू ये क्या करे बेटे फार्मूला होता है ये मैंने कल बताया था जी भी चीज के रूट का फॉर्मूला क्या होता है यानी कि सम ऑफ रूट सम नहीं कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स अगर दो रूट हुई हैं इनका फॉर्म सम का फॉर्मूला होता है कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर क्या कोफिशियंट है यहाँ बात ये फॉर्म आता है ये अच्छा तो पी क्यू तो यू कुछ भाई है भाई माइनस पी प्लस क्यू आर की वैल्यू भी रख दूँ
आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? पी प्लस क्यू बाई टू क्या आ जाएगी? पी प्लस क्यू बाई टू नीचे आ गया सबकी, तो क्या आएगा? पी टू पी क्यू धरा जाएगा, ये टू पी क्यू माइनस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन टू। इसे खोले क्या आ गया भैया? टू पी की तो यू कितना आएगा भाई, खोली दिखा दूँ, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू आएगा भाई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू आएगा, बाहर माइनस है, तीनों माइनस हो जाएंगे, अपॉन क्या आएगा? टू, यू की दावत कर देगा, क्या बचेगा? तो क्या आएगा ये, और इधर से क्या आएगा? ये माइनस के अल्फा का स्क्वायर चल रहा था, ये दिक्कत तो नहीं थी, तो माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? माइनस पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर अपॉन, इस माइनस से दोनों फिर कैंसिल कर दूंगा, तो अल्फा स्क्वायर की इक्वल टू क्या आ गया? पी स्क्वायर माइनस प्लस, दोनों माइनस ले दूंगा, क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन, क्या प्रोडक्ट होगी इसकी? ये कितना सवाल था आगे, इतना छोटा का आंसर इतना अच्छा था, है आई इन बात नहीं, हट के बताऊँ गार्ड क्वेश्चन क्वेश्चन तो ले आओ,
रिको भाई कर लिया तो आपके लिए लिखा है सवाल में देखते हो ये सवाल कुछ सिंपल सा आपके लिए लिखा मैंने वही है ये फॉर्मूला जो मैंने घुमा फिरा के बताया ये बार रिपीट कर दूँ मैं समझती रहो कुछ बीच में बदलता है ये क्या है अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू 0 फाइंड रूट अल्फा प्लस रूट बीटा फाइंड रूट अल्फा प्लस रूट बीटा क्या आ गया ये देखो एफ स्क्वायर माइनस 21x प्लस 4 इक्वल टू 0 फाइंड रूट अल्फा प्लस बीटा देखो भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है देखो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जितनी भी जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने उसके मैक्सिमम क्या होंगे रूट होंगे इतनी क्या होंगे क्या आ गया ये हाँ तो कितना आ गया रूट भाई अल्फा प्लस बीटा जितनी इक्वेशन के जितने भी रूट होंगे उतने क्या होंगे इसके पावर होगी इसकी डिग्री डिग्री कितनी है इसकी दो तो रूट कितने होंगे ये भी रखिए वैसे इतने अल्फा प्लस बीटा है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ रूट का कोफिशियंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशियंट ऑफ माइनस कोफिशियंट ऑफ कितना आ गया 21 अपॉन 1 इक्वल टू 21 आगे बैठे हो अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है क्या बोल लो क्या होता है कोफिशिएंट ये कांस्टेंट टर्म अपॉन हाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये तो होता है तो कोफिशिएंट कितना है 4 अपॉन कितना जगह 1 तो कितना आ गया ये 4 यहाँ तो बात समझ आ गई लेकिन वैल्यू किसकी निकालनी है मुझे रूट अल्फा प्लस रूट बीटा रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी इन दोनों में क्या कर दूं मैं हैं इनका स्क्वायर क्या कर दूं इसका ये आ गया रूट अल्फा का स्क्वायर प्लस रूट बीटा का स्क्वायर प्लस 2 रूट अल्फा रूट बीट आगे सुनिए भाई
रूट अल्फा का स्क्वायर कितना होता है? अल्फा। और रूट बीटा का स्क्वायर? बीटा। और टू रूट अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है? 21। टू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होती है? 4। टू इंटू मल्टीप्लाई टू तो 21 प्लस टू टू का 21 प्लस 4 क्या आ गया? 25। आसान आसान सा है उसकी पूरी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 5 आनी चाहिए क्योंकि ये कह के यही बता रहे हैं कि रूट अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है यो। इन्होंने बताया मुझे क्या की वैल्यू है यो का होल स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी हमने। ये निकाली क्या की वैल्यू? रूट अल्फा प्लस बीटा। रूट अल्फा प्लस इन दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लूँगा। इसका स्क्वायर रूट तो आ गया 25 का स्क्वायर रूट क्या होते हैं? 5। यूँ बता रहे कि तब तो क्या सर ठीक है हमने क्या की वैल्यू निकाल ली थी? रूट अल्फा प्लस बीटा की निकालनी थी। निकाल ली थी इसकी वैल्यू है। आसान है भाई। आगे बढ़ते हैं फिर आगे आगे बढ़े। If A, G, H are if A बड़ा कैपिटल बड़ी कैपिटल बड़ा सब बड़े हैं if A, G, H are क्या है वो if A, G, H are the ये क्या बताया अभी मैंने लिखो यू ही लिखना आर द अर्थमेटिक मीन जी क्या है क्या जी क्या बताया था ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर मध्य की थे क्या बताया था एंड एच आर द हार्मोनिक मीन और थ्री पॉजिटिव नंबर A, B, C और थ्री पॉजिटिव नंबर A, B, C हार्मोनिक मीन A क्या था? A था अर्थमेटिक मीन और G क्या था? ज्योमेट्रिक मीन और H क्या था? हार्मोनिक मीन यानी समांतर मध्य समांतर मध्य यो गुणोत्तर मध्य यो धनात्मक ये तो था इन किसका तीन नंबर का कौन था ऑफ ए बी सी छोटा ए बी सी इफ ए जी आर आर रिस्पेक्टिवली ए एम जी एम एच एम आर थ्री पॉजिटिव नंबर ए बी सी देन प्रूव दैट द इक्वेशन
then find the equation, then yeah, find the then find the equation having root a b p. I know. Good point. ये सवाल तो समझ में आ गया होगा, सवाल तो समझ में आ गया होगा। देखो भाई, ये कह रहा है कि तीन नंबर हैं, ये ए एम जी एम एच एम है इसका, ये है और साथ में ए बी सी इसके तीन रूट हैं। तीन रूट हैं तो कैसी इक्वेशन हो गई, वो क्यूबिक होगी, थ्री जिसे क्या होगी, जिसे घात तीन हो क्यूबिक उसे क्या भाई। लेकिन इनका ए एम क्या आ जाएगा, ए एम का क्या आ जाएगा, ए ए क्या आ जाएगा भाई, तुमने बताया था मुझे, बस सवाल तुम्हें याद है, कुछ भी नहीं भूल गया तुमने, परेशान हो रहे हैं क्या बता दिया होगा। ए प्लस बी प्लस सी पॉइंट थ्री, जी क्या आ जाएगा इसका, ए बी सी का क्यूब, ए बी सी की पावर वन बाई, ये थोड़ी सी गलती स्क्वायर रूट ही था, अब क्यूब वन बाई थ्री नहीं आना, क्यूब रूट होगा, क्यूब नहीं क्यूब रूट, वो था स्क्वायर रूट, याद है समझ में आ गया। और अब क्या है, हार्मोनिक मीन किससे निकलता है भाई, वन अपॉन एच इक्वल टू क्या आएगा, वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी अपॉन थ्री। बोलो भाई, ये बात नहीं आ गई, क्या नहीं आ गई, हाँ और क्यू रूट क्या आएगा जी, क्यू रूट क्या आएगा, यो अगर ए भी होता तो क्या आंसर आता भाई, दो होते तो यूं आता या यूं आता जी, दूसरे वाला तो यहाँ तीन है तो क्या आएगा, मैंने भी तो क्यों रोटी को बोला, क्यों रोटी को बोला, हाँ तो मैंने क्या कहा, जो यह ऐसी खाने क्यों हूँ ठीक है, बेटे हैं बोला आने का समझ में, ये आ गया, ए की वैल्यू आ गई, जी की वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू थ्री है, यहाँ से ए बी दोनों से क्यूब कर दूंगा, ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई, जी की पावर थ्री, ये दोनों को सोल्व कर लूँगा, क्या कर लूँ सोल्व, वन अपॉन एच इक्वल टू क्या जाएगा, ये इनका एलसीएम ले लूँ ए बी सी, ये क्या जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन थ्री, सारी बात है जो है भाई, ये क्या जाएगा, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन तीन ए बी सी, भाई सुनो तीन ए बी सी आ जाएगा है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बोल लो, थ्री ए बी सी अपॉन एच, इसकी वैल्यू आ जाएगी वन है, थ्री क्या आ जाएगी, थ्री ए बी सी अपॉन एच, और ए बी सी की वैल्यू कितनी है, जी क्यू थ्री जी का क्यू अपॉन एच, इसे इसे एफ वन नहीं कहते थे कल बताया था, एफ वन नहीं कहते थे, क्यूब क्या होती है इसकी इक्वेशन की, एक्स क्यूब माइनस एस वन का स्क्वायर, ये नहीं थी प्लस क्या आएगा, एक्स एच टू, एच टू का मतलब दो दो की मल्टीप्लिकेशन, ये रही जिस तरह रही ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये नहीं है ठीक नहीं है, ये क्या है कि बोलो जाएगा, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इसकी कुल नहीं आए बोलो, अरे एस थ्री क्या आएगा, तीनों का प्रोडक्ट यानी ए बी सी, बोलो अगर तीन रूट हो, सुन लो तीन रूट हो, देखो तीन रूट में एफ वन क्या आता है, मगर तीन रूट है, कल बताया था मैंने क्या बताया था मैंने, तीन रूट है, एफ वन का मतलब है दोनों का तीनों का सम, ठीक भाई,
अगर एस टू क्या आएगा तो दो की प्रोडक्ट की सम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक। एस थ्री क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा तीनों की आई बात है। तो यही लिखी मैंने इधर को घात तीन फिर स्क्वायर फिर एक्स फिर कोस स्क्वायर, ये तो है भाई, ठीक है। तो एक्स और थ्री तो जुगत हूँ भाई। एफ वन, एफ वन कितना है, थ्री ए एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस एच टू कितना है भाई, थ्री जी क्यूब, थ्री जी क्यूब अपॉन एच है जी बाबू जी। और एफ थ्री कितना है, इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन आसान था, मुश्किल था जी। अब कैसा हो गया, कुछ भी नहीं करना, इनकी वैल्यू रखनी है भाई, निकालो आगे तुम जाओ तो थोड़ा सा कुछ। हाँ ये लिख रहे हो आपके लिए, लिख रहे भाई कल बताया था मैंने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये ए बी सी क्या थे, रियल नंबर थे, बताया था कल मैंने। और ए को क्या बताया था मैंने, जो मैक्सिमम जो पावर है डिग्री है उसका जो कोफिशेंट है वो क्या कहते हैं, लीडिंग कोफिशेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए क्वाड्रेटिक के लिए ही है। अरे अगर मान लिया क्यू भी क्या, तो एक्स की पावर क्यू का जो कोफिशेंट है वो क्या होना चाहिए, जीरो। ये कोफिशेंट रहेगा है, इसकी नेचर ऑफ रूट निकालनी है। फिर क्या निकालनी है, नेचर ऑफ रूट निकालते हैं। नेचर ऑफ रूट किससे निकालते हैं, अगर मान लिया अगर रूट निकालने हो तो रूट निकालने होते तो ये एक फॉर्मूला बताया था कल मैंने, ये तो रूट निकालते हैं किसी भी चीज़ के, इस तरह निकाल लेंगे, ठीक। तो नेचर ऑफ रूट इस पर डिपेंड करते हैं, किस पर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर लिखो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटेड, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिस्क्रिमिनेटेड कहलाता है।
आई थिंक इसकी 20 स्क्वायर माइनस 4 एपीएम वैल्यू निकाल देंगे। अगर डी की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये डी कहलाता है, ये क्या कहलाती है, डी इक्वल टू 20 की, तो हमेशा डी निकाल दूँ, क्या कहूँगा मैं, डी निकाल लूँ, डेन डिस्क्रिमिनेंट निकाल लूँ, क्या निकाल लूँगा, अगर डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी इज ग्रेटर देन 0, तो रूट कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, कैसे होंगे रूल, इफ डी इज इक्वल टू 0, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, तो रूट कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। अगर डी की वैल्यू कहते बड़ी होगी, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, तो रूट कैसे होंगे, वैल्यू रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। आई बात में जी, डिस्टिंक्ट अलग 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 रूट कैसे होंगे भाई, अगर दूसरा क्या है, डी इक्वल टू 0, तो रूट कैसे होंगे, रियल एंड सेम, रियल एंड सेम, रियल एंड सेम इक्वल कर दूंगा, सेम कह दो या एक ही बात है भाई, इफ डी इक्वल टू 0, रियल एंड इक्वल इक्वल, और तीसरा क्या होता है, इफ डी इज लेस देन 0, ठीक है, देन क्या होगे, रूट कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स में आई वाला जो हमारा भाई था, अभी यही बात शुरू हुई थी, उतारी मारी है दौड़ हुई, तो आपकी बड़ी बात है। और भी कोई कंडीशन हो सके इसके अलावा, हो सके कोई, या होती नहीं, ये यही पढ़ी होगी, तो ये बात खत्म हो गई थी, ये खत्म हो गई होगी, और थोड़ी सी बड़ी करने बात, चलो भाई ज़्यादा देर तो करनी पड़ेगी, जैसे तुम कह दिया, इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर, इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जिसका वर्गमूल पूरा पूरा लिया जा सका, जैसे 4, 9, 15, 25 पूर्ण वर्ग कह जीते, इफ डी इज, चौथा क्या है, इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट का मतलब पूर्ण, कहते नहीं अब बहुत परफेक्ट हीरो नाम है, अब परफेक्ट छक्का मारा है, परफेक्ट ना पूर्ण स्क्वायर, पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग जिसका वर्गमूल निकाला जा सके, तो क्या, तो रूट कैसे होंगे, देन रूट कैसे होंगे, रैशनल, रूट कैसे होंगे, वो यार रैशनल, वो नंबर जो पी एफ ओन क्यू में लिखी जाए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, और पी और क्यू दोनों क्या चाहिए, आई होनी चाहिए, चलो अगर रूट इस फॉर्म में निकल गया, एक और फॉर्म हो सकता है कोई और, ये मिट्टो तो भाई पहले वाला, यस सर, और भी कोई फॉर्म हो सकता है इसके अलावा भाई, तुम्हारे क्या अकल काम कर रही है, ये भी तो शक्ल हो सकता है, ये पी प्लस रूट क्यू, जैसे 2 + √3 यानी रूट हो सकता भाई, ऐसा ऐसा भी तो हो सकता है, तो बड़े सारे हो गए, रूट भी पढ़ लिया हमने, लिखेंगे इफ पी प्लस क्यू, पी प्लस रूट क्यू, देन डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देन डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या लिखा, इफ पी, अगर पी प्लस क्यू क्या आ जा, अगर रूट किस फॉर्म में आ जा, पी प्लस इफ रूट आर इन द फॉर्म ऑफ पी प्लस रूट क्यू, देन डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देन डी इज नॉट, वो नहीं होना, देन D is not perfect square. Then D is not perfect square.
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग मोर देन टू रूट, मोर देन तो बिल्कुल उल्टा पढ़ा दिया मैंने, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो से ज़्यादा रूट कब होंगे? इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू, क्या जाएगा? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू न्यू डिग्री। जो गरीब आदमी चोरी हो गई, गरीब आदमी चोरी हो, अगर गरीब आदमी है गाँव में सबसे वो घर का क्या ना लगाए, रात को सब क्या लगा लेते हैं अपने घर में, क्या लगा लेते हैं रात को? ताला है, कुंडा लगा लें। गरीब आदमी कुंडा लगाया कुछ हो जाएगा कुत्ता वक्त तो हाथ गया कि भाई कोई परेशान तो कर लें मोल ले रहे हैं, लेकिन आदमी भी आ गया क्या छोड़ के क्या गए हैं, छोड़ घुस जाएगा उसको, तो इसीलिए जिसमें कुछ ही ना हो उसके कितनी रूट मान लें, ठीक नहीं है। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो होगा वो उस इक्वेशन के मोर देन टू रूट होगा, आई बात नहीं, बात आगे बढ़े भाई, अब तो थोड़ी कंडीशन ज़्यादा बदल गई। अब देखो, अब थोड़ा एक बार होगा आदमी सीधी चीज बढ़ते हैं एक बार में, जैसे तो सर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्या चीज है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, क्या कह रहा है? क्वाड्रेटिक क्या है? पॉलीनोमियल से काम चल रहा है इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। क्वाड्रेटिक क्या है? पॉलीनोमियल इक्वेशन में क्या बताया था मैंने, अगर इक्वल बराबर जीरो रख दिया तो क्या हो गई वो इक्वेशन, नहीं तो पॉलीनोमियल, कल बताया था मैंने। तो इसकी मुझे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी और वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालनी इसकी, क्या हो सकता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू? मेरा जी चाह रहा बताओ क्या हो सकता है। देखो भाई निकाल के दिखाऊं, देखो कितनी अच्छी मैक्सिमम वैल्यू, अभी समझ में नहीं आ रहा वो कुछ है, देखिए कितनी अच्छी है। मेरा मन चाह रहा कि इन तीनों में से एक कॉमन ले लूं, ले सकूं? क्या बोल लो वो, अब तुम बताओ, ले सको तो बताओ। एक कॉमन लेने का ए बार लिखूं, यूं तो फिर कहो भाई बता दो गलत करो क्या जाएगा, बोल लो प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस, बताओ भाई अब भी दिक्कत आई कुछ आई दिक्कत। अच्छा अगर कहीं ये हो भाई एक्स स्क्वायर प्लस छः एक्स, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना, किस तो बनाता हूँ परफेक्ट स्क्वायर याद है ऐसा? हाँ देखो यूँ बता रही, देखो यूँ नहीं बताया कि पूर्ण वर्ग यानी ए प्लस बी की घात दो का फॉर्मूला बनाना चाहूँ मैं, यूँ कहना चाह रही है किस तो बनाया, ए प्लस बी का घात दो का फॉर्मूला किस तो बनता है ए का प्लस प्लस बस ये टू ए बी रखा, हाँ ये बी स्क्वायर नहीं है, अगर ये हो जाए तो काम बन जाएगा, ये तो नहीं है, ये नहीं होता। तो क्या होता है ये ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो? ए स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी स्क्वायर, ये नहीं होता फॉर्मूला बोलो। देखो एक्स का तो स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है प्लस टू ए, ए की वैल्यू क्या है? एक्स, एक्स है नहीं, मल्टीप्लाई क्या आएगी? बी है तो नहीं बी, तो यहाँ भी नहीं है बी, ये दोनों भाई करना तो यहाँ पता ना यहाँ पता, लेकिन मुझे यू पता कि जो इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी? तो इसी का इसका बात गया यहाँ, तो क्या क्या लिख दूँ अगर यहाँ थ्री, अगर यहाँ क्या लिख दूँ थ्री का स्क्वायर, ये थोड़ा है कि बाप की खेती आ रही कुछ भी जोड़ दो कहती कुछ भी घटा दो, सवाल गलत हो जाए फिर तो है नहीं, फिर तो अगर मुझे सौ आंसर आना तो बस सौ लिख देते भाई, हटा से आंसर आ गया है सौ लाना पड़ा लाइन थ्री है, तो ये प्लस थ्री का स्क्वायर आ गया अपनी तरफ से बढ़ाया ना, इसे क्या कर दो इतना ही
अब यहाँ का स्क्वायर बन गया वो एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये यहाँ का फॉर्मूला बन गया एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर। बोलो अब मुझे ठीक इसी तरह से इसका फॉर्मूला बनाना भाई, बना नहीं देखो किसको बनेगा एक्स का स्क्वायर तो पहली संख्या का वर्ग क्यों रखा हुआ ठीक प्लस दो गुना पहली संख्या कितनी आ गई दूसरी संख्या कितनी आ गई। यहाँ मुझे चाहता है इन दोनों के कह से गुणा करूँ बी अपोन ए आ जा क्या जाए बी अपोन ए एक्स क्या जाए किया जाए बी अपोन यू आ जाए किस तरह करूँ बी अपोन टू ए से मल्टीप्लाई कर दूँ और जब बी अपोन टू ए से मल्टीप्लाई करूँगा हो तो यहाँ क्या जाएगा बी अपोन टू ए का स्क्वायर माइनस के बी अपोन टू ए का स्क्वायर घटा दूंगा और ये कर दूंगा प्लस सी अपॉन ए जू कर दूँ। बताओ ये बात समझ में आ गई राम कथा की क्या बोलो भाई दिक्कत तो नहीं आई बोलो भाई ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी क्या बराबर आ गया एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर माइनस प्लस ये क्या जाएगा बी स्क्वायर अपॉन नहीं माइनस हाँ ये तो फॉर्मूले में इस्तेमाल हो गया थे ना माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए का स्क्वायर प्लस सी अपॉन ये बात ए चली रहा भाई ये ना भूल जाइए देखो भाई मन तो नहीं करा कुछ। देखो भाई ये क्या आ गया ए के अंदर मल्टीप्लाई चलो क्या आ गया एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर ए बाहर ही आ गया चलो बड़ा लिया गया टेबल। इन दोनों में क्या क्या लिखे मैं इन दोनों का फोर ए स्क्वायर नहीं फोर ए स्क्वायर नहीं है फोर ए स्क्वायर क्या जाएगा माइनस बी का स्क्वायर प्लस फोर ए बोल लो भाई है नहीं बात नहीं। अब ए के अंदर क्या कर दिया मैंने ये भी क्या कर दी जस्ट देखता भी है समझता क्या जाएगा बोल लो क्या जाएगा भाई तो ये क्या जाएगा एक बार वही कर लिख लूँ एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर ए दिया आ गया जब ए की मल्टीप्लाई करूँगा ए से ए स्क्वायर कट जाएगा नीचे क्या जाएगा फोर ए प्लस ये क्या जाएगा फोर ए सी माइनस के बी स्क्वायर अपॉन फोर अगर इसको माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए तो एक यहाँ यहाँ लगा लूँगा इसको यही लिखना तो ये इसको बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लिख के यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा है ये बात समझ में आ गई यहाँ तक ये आ गया देख यहाँ से बात समझ में आ गई कहाँ से बात समझ में आ गई बोलो देख एक बार उद्दीन हजार ने क्या पूछना भाई तुम देखो बेटा क्या पूछना अब मुझे निकालना है कि ए की वैल्यू इसकी वैल्यू कब मिनिमम होगी कब मैक्सिमम होगी। देखो भाई नीचे क्या आ रहा है ये ए आ रहा फोर बी आ रहा ए की जितनी भी वैल्यू बढ़ती जाएगी तो इस फंक्शन की वैल्यू घटती घटेगी या बढ़ेगी घटेगी है क्योंकि नीचे बड़ा होता जाएगा छोटा डिवाइड करके और छोटा होता जाएगा लिखेंगे इफ क्या लिखेंगे इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो ए से जितना भी बड़ा होता चले जाएगा ए से जितना भी बड़ा तो क्या जाएगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी मैक्सिमम वैल्यू आएगी मिनिमम आएगी किसकी वैल्यू
इस पर डिपेंड करें x प्लस बी क्या आएगा, x प्लस बी प्लस टू ए कितना होगा, यो मिनिमम वैल्यू कितनी वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू कब होगी, वैल्यू कब होगी, ए जीरो से बड़ा हो, अगर ये बराबर हो जीरो हो तो क्या आएगा, x इक्वल टू हेयर x इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए, भाई बात नहीं ठीक, ये जीरो होगा तो x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी अपॉन टू ए, आई नहीं बात नहीं, अगर x इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए हो, x इक्वल टू यो जीरो रखूँ मैं, क्या रख दूँ यो जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी अपॉन टू ए, और a की जितनी भी इसकी वैल्यू नहीं, ये तो जीरो हो गया, इस पर डिपेंड करेगा ये, इसकी a की वैल्यू जितनी भी क्या होगी, बड़ी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, हो इतनी क्या होगी, हो छोटी होगी, अच्छा इफ a इक्वल टू क्या आ जाएगा, इफ a इज लेस देन जीरो, a क्या है, अब क्या है ये छोटा होता जाएगा, तो क्या होगी वैल्यू इसकी, मैक्सिमम वैल्यू, तो कब 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 होगी, व्हेन x इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू, कंडीशन तो यही इसमें यही रहेगी, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू आ जाएगा, इसे रोक के आगे बात नहीं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, अब तो आई सुनो, यानी कि देखो, यानी कि देखो क्या है, देखो एक बार और समझ लो, व्हेन a इक्वल टू जीरो देन ये मैक्सिमम होगा, ये क्या होगा, या मिनिमम होगा, मिनिमम कौन होगा, फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए, इस तरह मैक्सिमम क्या होगा, ये फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन, इसकी तो वैल्यू होगी नहीं, इस पर डिपेंड करेगा, ये बोलो आगे समझ होगा, आसान है भाई, है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, ये आ गया समझ में, मतलब मिनिमम मैक्सिमम समझ में आ गया, बहुत अच्छी तरह आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, ठीक है, और जो टेंथ इलेवंथ और ट्वेल्थ में सीधे पर सीधे बताते हैं, फॉर्म लगा के करते जाए भाई, थे क्वेश्चन तो उतार लेगा भाई, चलन बोलू,
देखो इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैविंग वन रूट ऑफ इट्स रेसिप्रोकल ऑफ द इक्वेशन है, हैविंग अगर इस इक्वेशन का इफ एक रूट इसका रेसिप्रोकल है, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स हैविंग वन रूट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इस इक्वेशन, एक रूट दूसरी इक्वेशन इसका एक रूट इसका क्या है रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल नहीं जानते, कल बताया था मैंने उल्टा यार फिर ऊपर टंगा नीचे बताया था बच्चों झुलाया था हमने, देखा नहीं रेसिप्रोकल उल्टा बताया था मैंने, अगर मान लिया इसका एक रूट कितना है अल्फा है तो इसका रूट कितना हो जाएगा भाई वन अपॉन अल्फा, वन अपॉन अल्फा नहीं जाएगा, लेकिन इफ लिखेंगे लेट लेट साथ लिखेंगे लेट लेट अल्फा इज द हो गई भाई, कल को इसी करेंगे, कल को क्या करेंगे कल को इसी कल को इसी क्वेश्चन करेंगे, देखो मैं बताता हूँ, देखो तुम्हें अल्फा जो है इसका रूट है तो क्या आ जाएगा, जब इसका अल्फा एक रूट होगा जब अल्फा तो इसे सेटिस्फाई करेगा यो तो क्या आ जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसका कौन सा रूट होगा फिर वन अपॉन अल्फा, तो क्या आ जाएगा ए अपॉन अल्फा स्क्वायर बी अपॉन अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसे सोल्व कर लो अल्फा स्क्वायर को, फिर दोनों को जो है मैं दोनों जो है मैं सोल्व कर लूँगा, क्या कर लूँगा इस तरह सोल्व होंगे जैसे एक्स स्क्वायर का नीचे लिख के करता था एक्स का करिए पीछे ना करिए वन अपॉन, अब इसकी ये प्रोडक्ट माइनस ये तो ये किसने सोल्व करी कभी ऐसी करिए इस तरह सोल्व कर लेंगे इसको आंसर आ जाएगा हैं, देखो भाई आगे ठीक है भाई इतना ही है, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया था ये एक सवाल होता है कॉमर्स में, देखो भाई एक्स क्यूब की वैल्यू लिख देंगे यहाँ ए प्लस बी की पावर थ्री लिख दूंगा, वाई की भी वैल्यू ए प्लस डी यहाँ भी लिख दूंगा और जेड की वैल्यू यहाँ रख दूंगा, अब तीनों को फॉर्मूला खोल लूँगा, ए प्लस बी घात तीन क्या आता है ए की घात तीन प्लस बी घात तीन प्लस तीन, भाई कुछ तो चाहिएगा या कुछ भी नहीं चाहता हूँ मैं, इंजीनियर बनूंगे तो कुछ तो चाहिएगा ही हो, अब अगर बड़ी बिल्डिंग का क्या, हाँ अगर x बराबर माइनस टू प्लस रूट टू आई हो गया है, दूसरा रूट कौन सा लगाए हो इसका उल्टा, अगर देखो क्या आता है देखो एक रूट अगर मान ले कल क्या बताया था अगर एक रूट थ्री प्लस टू आई है तो दूसरा रूट कितना होता है, ये जोड़े हो हमेशा इसका एक रूट दिया जाएगा तो दो रूट आ गए, सम ऑफ द रूट निकाल लूँगा फिर मैं इससे जिसको कल बताया था वो लेगा फिर कल बताऊंगा ठीक है, इसे करके लाइए पहले सवाल को ठीक है भाई, अगर नया फिर बताऊंगा ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है, बेस्ट ऑफ लक।